हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। मेरा लुक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो बना लूँ हाउ टू वियर आई लैशेस, बिकॉज बहुत सारे टीनेजर्स के कमेंट आ रहे थे कि आईब्रोज के लिए एंड आई लैशेस के लिए। सो मैंने सोचा एक मैं क्विक वीडियो बना देती हूँ 2-3 मिनट की। ओके, सो वीडियो में अंत तक बने रहना, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इफ यू लाइक माई कंटेंट, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल नाउ विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, मैंने कैलालिस की आई लैशेस 10 पेयर आई लैशेस ली है अमेजोन से। इसकी एक दो तीन चार जो भी मैंने यूज़ कर ली है बाकी की, और इसके साथ आपको एक ग्लू मिलेगा। इसका ग्लू काफ़ी अच्छा होता है और ये आपको ऑफर वगैरह में मिलती रहती है, तो ये काफ़ी अफोर्डेबल है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एक ही साइज़ की मिलती है, आप अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हो, वो मैं आपको अभी वीडियो में बताऊंगी। क्योंकि इनसे अंदर ये कुछ ऐसी मिलती हैं, ऐसी चिपकी हुई होती हैं, तो काफ़ी ईजी होता है निकालने में भी। इसको मैं एक निकालूंगी और यू कैन सी ये बड़ी है, मेरी आईज से ये काफ़ी बड़ी है ना। तो हम इसको अब कट कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। मुझे थोड़ी सी बड़ी लगाना पसंद है, इसलिए मैं बस क्या करूँगी, साइड से थोड़ा सा कट करूँगी, थोड़ा सा। ओके, इतना साइड से कट किया मैंने, ज़्यादा मत कट कर देना आप लोग। और आगे की आई लैशेस थोड़ी सी बड़ी है, यू कैन सी यहाँ से थोड़े थोड़े इसके हेयर्स बड़े हैं ना, तो मैं इसको हल्का सा कट करूंगी सीजर की हेल्प से। बिल्कुल बराबर बराबर मत करना, वरना खराब लगेगी वो, है ना। अब ये कुछ ऐसी बन गई है, देखो। अब फिर धीरे से नीचे से ऐसे ऐसे करके काटना कि थोड़ी सी छोटी बड़ी हो जाए, बिल्कुल बराबर अच्छी नहीं लगेंगी। ओके, ये है इसका ग्लू। मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, मुझे काफ़ी पसंद आता है। अब क्या करेंगे, इसका जो ये है ना, ये यहाँ पे हम आई लैशेस का ग्लू लगा लेंगे, ठीक है, अच्छे से, ताकि अच्छे से लगाना, ताकि ये चिपक जाए। और इसको फूकना है, बिल्कुल डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है, इसको आपको फूकना है। और आपको ऐसे 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 मोशन में इसको करते रहना, लाइक ये, ताकि हमारी आई लैशेज, हमारी रियल में जो आई लैशेज है उसमें बहुत इजीली टक हो जाए, चिपक जाए, है ना। बहुत इजीली आपको ऐसे ऐसे करना है, आईज थोड़ी सी अपनी डाउन करना नीचे साइड। और अपनी पलकों से उसको ऐसे अटैच करना, धीरे धीरे, जल्दबाजी मत करना। साइड से भी आपको यहाँ पे चिपका देना है। अगर आई लैशेस ऊपर नीचे लग रही हो सो कोई भी ब्रश लो फ्लैट वाला, उससे इसको हल्का हल्का प्रेस करो, ठीक है, ऐसे, ताकि रियल वाली जो आई लैशेस है एंड जो फॉल्सीज है वो दोनों एक साथ चिपक जाए, तो वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, लाइक बहुत लंबे समय तक टिकी रहती हैं। अगर आप अच्छा ग्लू इस्तेमाल करते हो तो काफ़ी लंबे समय तक टिकी रहेंगे। यू कैन सी कितना इजीली ये टक हो गई है ना। अब मैं सेम ऐसे दूसरा भी लगा लूँगी। गाइज, यू कैन सी दोनों आई लैशेस कितने ईजिली अपने जगह पे टिक गए हैं। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। ये आई लैशेस आपको बहुत अफोर्डेबल भी पड़ जाती है, अमेजोन से आप बाय कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। सो मेक श्योर आप चेकआउट कर दीजिएगा। ओके, बाय।